हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स एंड एजुकेटर। आज का जो हमारा टॉपिक है डिज़ाइनिंग अ डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट क्रिएशन तो हमने कर ली थी, अब हमें काम ही करना है कि डिज़ाइन करके डॉक्यूमेंट को मज़ीद खूबसूरत डेकोरेट करना है। डिज़ाइन के टैब पे हमें आना पड़ेगा। डिज़ाइन टैब के अंदर अगर आप फॉलो करेंगे तो दो ग्रुप्स आपको नज़र आ रहे हैं, डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग एंड पेज बैकग्राउंड एलिमेंट। ठीक है, डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग के अगर आप ये देखें तो दो सेशन है हमारे पास। ये जो पोर्शन है स्टाइल सेट्स का हमारे पास और ये थीम का है। ठीक है, और हमें इसमें दो तीन काम करने हैं। वो क्या है हमारे पास कि सबसे पहले अगर हमें कोई थीम बनानी है तो थीम कैसे बनाते हैं, थीम होती क्या, उसको डिस्कस करते हैं, स्टाइल सेट्स क्या होते हैं, इन चीज़ों को देखते हैं। सबसे पहले हम थीम की बात करते हैं। थीम आप अक्सर कंप्यूटर में भी चेंज कर रहे होते हैं और अक्सर मोबाइल में तो फ्रिक्वेंटली बहुत लोग चेंज कर रहे होते हैं। थीम बेसिकली होती क्या है, थीम कॉम्बिनेशन होती है तीन चीज़ों की कॉम्बिनेशन होती है, जिसमें कलर्स, फॉन्ट्स एंड इफेक्ट, इन तीन चीज़ों को हम चेंज करते हैं तो हमारी थीम में तब्दीली आती है। इसके लिए एग्जांपल देखते हैं, थीम के सेशन में जाते हैं। अगर मैं यहाँ थीम पर क्लिक करता हूँ तो मैं कोई सी भी थीम ले सकता हूँ। आपसे कहा जाता है कि आप बैच ले लीजिए। ठीक है, आपने क्लिक किया बैच के ऊपर, आप ये देखें थीम चेंज हो रही है। जब ये थीम चेंज हो रही है तो कलर चेंज नहीं हो रहे हैं, आप देखिएगा फॉन्ट स्टाइल भी चेंज हो रहे हैं। अगर कोई इफेक्ट होगा, बेवेल इम्पोज, ड्रॉप शेडो, डला हुआ, तो वो भी चेंज हो जाएगा। तो मैं ही चेंज कर रहा हूँ तो सिर्फ ये कलर नहीं चेंज कर रहा, इसके साथ इसके जो फर्दर चीज़ें उनको भी चेंज कर रहा है, जिसके अंदर हमारे पास कलर्स एंड फॉन्ट्स भी आ रहे हैं। ठीक है, हम दोबारा यहाँ पे जाते हैं थीम के ऊपर। दिस टाइम आई चूज बेसिक। ठीक है, बेसिक पे मैंने क्लिक किया और मेरा टारगेटेड बेसिकली ये कि मैं जब कोई भी डॉक्यूमेंट तैयार करूं तो डॉक्यूमेंट के अंदर आपके पास क्लियर होनी चाहिए चीज़ें, पढ़ने में आसानी होनी चाहिए। ठीक है, आप अगर इस्तेमाल करते हैं प्रिंट के हवाले से तो आप फॉन्ट को बोल्ड और थोड़े से मोटे फॉन्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप डिजिटल डॉक्यूमेंट है आपका तो आप चाहेंगे कि आपका डॉक्यूमेंट जो है ना वो बहुत क्लियर दिखे आपके पास, तो ये बड़ा ख्याल रखा करें कि आप अगर डॉक्यूमेंट बना रहे हैं तो डिजिटल पर्पज़ के लिए बना रहे होते हैं या आप जो है प्रिंट पर्पज़ के लिए बना रहे होते हैं। उसके अगर डिजिटल पर्पज़ के लिए बना रहे हैं तो आप इस तरह के खड़े फॉन्ट जो है ना वो आप इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और इसके हिसाब से मैं लिंक्स भी सेंड कर दूंगा अपनी इस वीडियो के साथ, जिसके अंदर फॉन्ट्स के बारे में मज़ीद पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, जो डिज़ाइनर के बैकग्राउंड से आते हैं उनको बड़ी आसानी होती है। ठीक है, अच्छा थीम के अंदर थीम तो मैंने चेंज कर ली बेसिक वाली, अब थीम के कॉम्पोनेंट को चेंज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल थीम के अंदर आप देखें तो यहाँ पे कलर, फॉन्ट्स एंड आपके पास जो इफेक्ट्स, फिलहाल अभी कोई इफेक्ट्स नहीं है यहाँ पे, ड्रॉप शेडो टाइप की कोई चीज़, बेबल इम्बोस नहीं है, तो हम क्या करते हैं इनको इंडिविजुअली चेंज करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे आए सबसे पहले तो ये आ रहे हैं मेरे पास कलर्स। ठीक है, तो मैं यहाँ से कलर सेट्स ले लेता हूँ। मैंने कहा मुझे थीम तो पसंद आ गई, थीम के अंदर फॉन्ट में रखना चाह रहा हूँ लेकिन कलर चेंज करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे कोई भी सेट ले लेता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ क्लिक किया, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा अब मैं ब्लू पे जाता हूँ। क्लियर, मैंने ब्लू मुझे पसंद आया। अच्छा, ये कलर पे मैं गया यहाँ पे और मैं यहाँ पे जाता हूँ कस्टमाइज कलर्स के ऊपर। ठीक है, कस्टमाइज कलर पे जब आप क्लिक करते हैं, और ये बाय द वे आपको बहुत एडवांस चीज़ करवा रहा हूँ, क्योंकि ये अगर आप वर्ड एक्सपर्ट का पेपर, मॉस का, माइक्रो ऑफिस स्पेशलिस्ट का पेपर देना चाहते हैं और उसमें वर्ड एक्सपर्ट का पेपर अटैम्प्ट करना चाह रहे हैं तो उसका ये टॉपिक भी है। अच्छा, यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि जो डॉक्यूमेंट आप कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें, बैकग्राउंड्स हैं, कलर्स हैं, थीम के अंदर ये सारी चीज़ें आप उनको चेंज कर सकते हैं। जैसे हाइपर लिंक का कलर आ रहा है, ये हाइपर लिंक पर जब क्लिक, हाइपर लिंक जब नज़र आएगा तो आपके पास ऑरेंज कलर का होगा और जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये ब्लू कलर का हो जाएगा। ठीक है, तो ये फॉलोड जो आप देखते हैं भी गूगल पे ब्लू कलर का आ रहा होता है, जब विजिट कर लेते हैं तो वो पर्पल कलर का आपके पास हो जाता है, मैरून सा हो जाता है, तो वो आपके पास ये चीज़ आ रही है। तो अगर आपके पास ये सारी चीज़ें चेंज करेंगे तो आपके पास तब्दीली आ जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ पर जाएँ और आप यहाँ पर क्लिक करें कोई सी भी चीज़, मैं इसको यहाँ पे नाम दूंगा। ठीक है, डू रिमेंबर आपको नाम देने ताकि आपके नाम के हिसाब से आ जाए, तो मैं इसको यहाँ पे कर लेता हूँ ठीक और सेव कर लेता हूँ। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे जाता हूँ और क्लिक पे जाता हूँ तो मैंने जो अपना कस्टम कलर बनाया वो यहाँ पे आ रहा है। मैं इसमें कुछ एडिटिंग करता हूँ, मैं यहाँ पे जाता हूँ और कस्टम कलर में जाता हूँ यहाँ पे,
तो यहाँ पे मेरे पास दोबारा मुझे अगर कोई बनाना है तो मैं बना सकता हूँ यहाँ पे। तो अभी देखिएगा, मैं जितने सेट बनाना चाहूँ तो मैं यहाँ पे बना सकता हूँ। सिर्फ मुझे करना क्या होगा कि जाके से मुझे एडिटिंग करनी होगी। ये सेट्स बने वाले हैं, डू रिमेम्बर, ये जो लिस्ट आ रही है बने बनाए आ रहे हैं, इसने डिवीजन बना दी, ये आपका आपका फॉन्ट आ रहा है, क्लियर है? तो ये सारी चीज़ें आपको करने आनी चाहिए। एक मतलब दोबारा देख लेते हैं कि आपको अपना कस्टम कलर बनाना है। तो ये लाइब्रेरीज आ रही है ऑफिस की, आपने कहा कस्टम में जाता हूँ, आपने यहाँ से कोई सा भी कलर, फॉर एग्जाम्पल मैं ये ले लेता हूँ इस टाइम, ये मैंने करा, अब चेंज हो गया, मैं कस्टम में जाता हूँ। अब मैं कहता हूँ कि नहीं भाई, अपना मेरा हिसाब से बनाओ, तो मैंने इसको कर दिया ALS, और उसके बाद मैंने जाके यहाँ से मुख्तलिफ कलर चेंज कर लिए। फॉर एग्जाम्पल आई चूज ब्लू, येलोइश और दिस, और मैं इसको यहाँ पे सेव कर देता हूँ। ठीक है, तो अब मैंने देखना आपको कंपोनेंट, वो जो मैंने चेंज करे थे वो यहाँ पे सब चेंज हो गए। तो ये ब्यूटी है, जितने भी सॉफ्टवेयर चाहे वो डिज़ाइनिंग का, चाहे वर्ड का, पावर पॉइंट कोई भी हो, जब आप कस्टमाइजेशन करने पे जाते हैं तो आपको बहुत मज़ा आएगा। बस समझना होता है कि आप कर क्या रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके पास कस्टमाइजेशन आ रही है, आपके पास जो है आप राइट क्लिक करेंगे तो इसके ऊपर एडिट करने का भी आ रहा है, डिलीट करने का। इफ़ यू वांट टू एडिट का, आपने कहा नहीं यार मैं समझता ही नहीं हूँ, मुझे चेंज करना है, तो आप एडिट पर जाइए और उसको चेंज कर लीजिए। इसमें नाम चेंज करना है, कलर चेंज करना है, कर सकते हैं। इफ़ यू आर अटेंडिंग अ पेपर मॉस स्पेशलिस्ट, तो उसके अंदर आपके पास ये सब चीज़ें आ सकती हैं कि भाई आप राइट क्लिक करके इसको डिलीट करें, वो तो नहीं बोलेगा, आपको पता होना चाहिए कि आप इतने प्रोफेशनल हो काम करने के अंदर कि आपको पता होगा इसकी जगह कहाँ पर है, क्लियर है? तो इसमें आपने क्या किया कि आपने अपना कस्टम कलर बनाया, आपने प्रीसेट्स इस्तेमाल करे, उसके बाद आपने अपना कस्टम कलर बनाया। आपने कस्टम कलर बनाने के बाद उसको डिलीट करना चाहें या एडिट करना चाहें वो आप कर सकते हो। दिस टाइम आई डिलीट, ठीक है, यस। तो मैंने अभी अपना वाला इस्तेमाल करा है, दिस वन, ठीक है, मैं को चेंज करता हूँ दिस वन। तो ये आपने अपना कस्टम कलर बनाया, ठीक है। अब उसके अलावा आपने कहा कि मैं फॉन्ट्स, आपने कहा ठीक है मैंने कलर तो चेंज कर लिया, आई गो विद फॉन्ट, और मैं फॉन्ट को चेंज करता हूँ। अब आपके पास ये चीज़ आ रही है, आपने कहा वैसे तो जो बाय डिफ़ॉल्ट वो बहुत अच्छा था, लेकिन आप स्क्रॉल करें, आपको कुछ और चाहिए, नैरो स्टेप की चीज़ें चाहिए थी, तो यहाँ पे कैलिब्री लाइट आ गई आपके पास। तो आपके पास जो अपीरेंस है, अब आप देखें समझें हो क्या रहा है, इन फॉन्ट्स हो क्या रहा है, अब पूरा डॉक्यूमेंट चेंज हो रहा है। कैलिब्री लाइट, अगर आप फॉन्ट्स में बहुत प्ले अराउंड करते हैं, बहुत ज़्यादा प्ले करते हैं, खेलते हैं, मुख्तलिफ अप्लाई करके देखते हैं चीज़ों को, तो आपको पता चलेगा हाँ इसका इफेक्ट क्या आ रहा है। इसलिए आपके सामने टेम्पलेट खोला हुआ है ग्रीन क्यूब रिज्यूम के नाम से, इसका लिंक मैंने प्रोवाइड करा हुआ वीडियो के नीचे, तो आप उस लिंक पे जाके इसको डाउनलोड करके इसी के ऊपर काम कर लीजिएगा, और आप खुद भी नेट पर आके सर्च कर सकते हैं, क्लियर? तो अब मैं यहाँ पे भी यही चीज़ आ रही है हमारे पास कि ये बेसिकली जो है वो फॉन्ट्स की प्रीसेट्स आ रहे हैं हमारे पास, जिसना कलर्स में आ रहे, मुझे यहाँ पे अपना कस्टम फॉन्ट बनाना है। ठीक है, तो मैं कस्टम फॉन्ट पे जाता हूँ, एंड आई जस्ट क्लिक, फॉन्ट पे क्लिक करते हैं तो फॉन्ट में दो चीज़ आ रही है आपके पास, हेडिंग फॉन्ट एंड बॉडी फॉन्ट। हेडिंग फॉन्ट को आप तस्वीर कर लें मेन हेडिंग्स, और पैराग्राफ को आप फॉन्ट कर लें, जो लिस्टिंग में जो पैराग्राफ टॉर पे आ रही होती है उसको हम बॉडी टेक्स्ट भी बोल रहे होते हैं। ठीक है, तो अगर वेब की ज़ुबान में काम कर रहे हैं तो हेडिंग फॉन्ट्स होते हैं H1, H2, H3, इसके ऊपर मुख्तलिफ किस्म के डिज़ाइनिंग्स वही होती हैं। आप H1 करें, H2 करें, आपने स्टाइल्स के टॉपिक को पढ़ा तो आपको उसमें याद होगा H1, H2, H3 भी था, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3। इसी तरह बॉडी टेक्स्ट पैराग्राफ पे काम कर रहा होता है। तो आपने कहा कि इफ़ यू आर अटेम्प्टिंग मॉस स्पेशलिस्ट एग्जाम एक्सपर्ट वर्ड एक्सपर्ट, तो उसके अंदर वो आपसे पूछेगा कि आप यहाँ पे जाएं, आपने कहा कि मुझे, वो आपसे बोलते हैं कि भाई यहाँ पे ये डाल दो, आपने कहा कॉपर ब्लैक में डाल देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे बॉडी टेक्स्ट जो है हम कुछ और डाल लेते हैं, हमने कहा कि यहाँ पे आप इसको एक स्लाइड ITC कर लें, ठीक है, आपने इसको वही अगेन नाम दे देना क्योंकि आप अपना कस्टम बना रहे हैं। तो मैंने कहा ALSF फॉन्ट, ठीक है, उसके बाद मैं इसको सेव कर दे रहा हूँ। बूम, आप ये देखें तो ये सब जगहों पे चेंज आ गया, मेन मेन हेडिंग में चेंज आ गया, ये चीज़ें में चेंज आ गया। आपने कहा कि अगेन, आपको मैं जो बोल रहा था कि ये मोटे वाले फॉन्ट हैं
और ये सारी चीज़ें आपको तो स्क्रीन पे अच्छा नहीं लग रहा है, तो स्क्रीन की चीज़ें अक्सर जो होती हैं प्रिंट में आप निकालते हैं तो अच्छी भी आती हैं वैसे, तो ये आपको आइडिया हो रहा है। जितना ज़्यादा डिज़ाइन करेंगे पता चलेगा कि हो क्या रहा है आपका। देखिए लुक वाइज क्या हो रहा है, ये हुआ, ये जो मैंने डाला ये फॉन्ट ऑब्वियसली आपको बड़ा डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, बहुत पढ़ने मुश्किल हो रही है, तो हम इतनी तकलीफ़ नहीं उठाएंगे, हम दोबारा जाते हैं फॉन्ट के ऊपर और कहते हैं भैया आप राइट क्लिक करके एडिट कर लो, जिससे हमने कलर में करा था। एडिट पे जाता हूँ और एडिट में करने के बाद मैं क्या करता हूँ कि मुझे ये बॉडी फॉन्ट पसंद नहीं आया है, मैं क्लिक करता हूँ, तो मैं यहाँ से इसको ये कर लेता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ से हेडिंग भी मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी थी, तो प्रीव्यू वैसे पता चल रहा होता है यहाँ पे, ठीक है। और थोड़ा सा हम बोल्ड सा ले दें, एरियल राउंड है, ओके सेव। अगेन मेरे जो फॉन्ट का नाम दिया था उसमें सेव हो रहा है, ठीक है। अब इस नाउ प्रीटी मच क्लियर कि आपका हेडिंग है और ये आपके पास यहाँ पे बना हुआ आ रहा है, क्लियर है। तो आपने दो काम किए हैं, आपने पहले आपने फॉन्ट्स कलर अलग से बनाए, प्रीसेट बनाया अपना डाल लिया यहाँ पे, अपना बना लिया, उसके अलावा आपने फॉन्ट अपने प्रीसेट से देखे फिर अपना अपना बना लिया। इसी तरह अगर आप देखें तो यहाँ पे इफेक्ट भी आ रहे हैं, ठीक है, इफेक्ट भी आ रहे हैं, इफेक्ट्स को भी आप चेंज करना चाहें, अगर आपके आपके पास इफेक्ट्स डले हैं इस पिक्चर के ऊपर वो सब चेंज भी हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। अच्छा अब मुझे करना क्या है कि मुझे अपनी जो मैंने सेटिंग्स चेंज करी हैं इसको मुझे थीम में सेव करना है। थीम में सेव करने से पहले मैं एक चीज़ और भी बता दूं कि यहाँ पे स्टाइल सेट्स बने हुए थे, स्टाइल सेट्स की लाइब्रेरी है वो ये आ रही है आपके पास, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखें तो मुख्तलिफ़ किस्म के स्टाइल सेट्स बने हुए आ रहे हैं, थीम के रिकमेंडेड भी कर रहा होता है कि भाई ऐसा होना चाहिए ऐसा होना चाहिए, तो आप देखें आपके डिज़ाइनिंग के बाद अगर नीड पूरी नहीं हो रही है तो इससे आपको अच्छा मिल जाएगा, या डिज़ाइनिंग से पहले अप्लाई करके देख लें, हो सकता है आपको उतना काम करना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ, लेकिन अगर आप चाहते हैं कोई अप्लाई करें तो यहाँ क्लिक कर सकते हैं, मैंने क्लिक किया तो एक नया स्टाइल, ये कितने मुश्किल काम होते हैं आप ये देखें अगर आप बनाएं डॉक्यूमेंट के अंदर, और फिर वो ये चीज़ आ गई, उसमें ब्लैक मुझे चाहिए क्लिक्ड, तो आपको पता चल रहा है कि भाई ये हो रहा है हमारे पास। आपको उसे ये नहीं देखना कि चेंज हो रहा है, अगर आप फाइनल डॉक्यूमेंट कोई बना रहे हैं तो आप ये देखेंगे भैया ये जो मेन मेन चीज़ें सारी आ रही हैं ये सब विजिबल हो हमारे पास, मेन मेन चीज़ें वो येलो आ रही थी पहले, तो मैंने इसलिए सबको चेंज कर लिया। तो डू प्ले अराउंड प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट खोल के अपना डॉक्यूमेंट बनाएं, या टेम्पलेट्स को लेके मैं प्रेफर्ड करता हूँ सब बच्चों को स्टार्टिंग के अंदर के टेम्पलेट्स पे काम कर ले, जो हम आपको प्रोवाइड भी कर रहे हैं और भी दे देंगे, ठीक है। अच्छा अब ये क्या हुआ कि हमने थीम बनाई है, जो अपनी अपनी थीम अभी क्रिएट नहीं करी, उसके कॉम्पोनेंट्स अपने बनाए, इसमें स्टाइल सेट्स अप्लाई करें, कलर फॉन्ट्स इफेक्ट डाल लिया। अब मैं इसको सेव करना चाहता हूँ, मैं थीम में जाऊँगा, थीम में जाने के बाद मैं चेंज कर दूँगा सेव करंट थीम, सेव करंट थीम पे यहाँ पे जाऊँगा, और अगर इफ़ यू आर डूइंग एग्जाम माइक्रोसॉफ्ट एग्जाम तो वो आपको कोई फोल्डर बता सकता है कि उसमें डाल लीजिए, मैं कहता हूँ मुझे यहीं पे चाहिए, जो भी नाम देगा अपने एलएस यहाँ पे वन सेव कर दी। तो अब आप थीम पे चले आइए, तो ये आपकी थीम आ रही है, मैं कोई और थीम चेंज करता हूँ, मैं वापस अपनी थीम पर आता हूँ, ये देखिए। तो आपने देखा कि बहुत ही जल्द आपने थीम को कंस्ट्रक्ट करा, कंस्ट्रक्ट करना बहुत ही आसान था, स्टाइल सेट्स कलर फॉन्ट्स को आपने इन सब का मिक्सचर बना के डाला, आपने क्लिक कर लिया। तो थीम में सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि थीम में आपको जब भी एडिटिंग करनी होगी तो आप एडिटिंग कर सकते हैं, इसमें एडिटिंग कर रहे हैं ये चेंज हो रहा है आपके पास, यहाँ पे चले आइए आपके पास सेव करंट थीम, ठीक है। मुझे किसी और नाम से बना के सेव करनी है डुप्लीकेट, तो मैं डुप्लीकेट भी बना सकता हूँ उसको। तो अगेन चार पांच चीज़ें, थीम चेंज कर लेना, थीम चेंज कर ली, थीम के कंपोनेंट्स जो थे डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग कलर फॉन्ट्स इफेक्ट चेंज करा, जब आपने सब चीज़ें सेट कर ली तो आपने सेव कर लिया। डू रिमेम्बर कि आप अपना कस्टम कलर अपना कस्टम फॉन्ट बना सकते हैं, प्रीसेट इस्तेमाल कर लें या अपना कस्टम कलर डिफाइन कर लें, कस्टम फॉन्ट डिफाइन कर लें, ठीक है। और इसके अलावा आप साथ साथ में चीज़ें और भी कर सकते हैं, जो कि पहले आप होम टैब से कर रहे थे कि जो लाइन स्पेसिंग वगैरह थी, अगर आप दोबारा से अपने लेआउट टैब पर आ जाएँ तो लेआउट टैब पर आ जाएं, तो डिज़ाइन टैब के अंदर आपको भी वही लाइन स्पेसिंग मिलेंगी आपके पास। अगर आप यहाँ पे चलाएं तो यहाँ पे देखिएगा ये आपके पास चीज़ें आ रही हैं, तो यहाँ पे स्पेसिंग आ रही है, आप क्लिक करें यहाँ पे सारी चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं। तो
ये आपके पास अगर आप देखें तो वहां पे वो क्या आ रहा था कि कस्टम आ रहा था, याद है आपको, कि आपने वहां पे क्लिक कर दिया मैनेज स्टाइल्स के अंदर जाके, लेकिन वहां पे कुछ अलग था। वहां पे अगर आप जाएं तो इस तरीके से आ रहा था, होम के अंदर जाएं और अगर आप यहाँ सेलेक्ट करते हैं इसको तो लाइन स्पेसिंग इस तरीके से बनी हुई आ रही थी कि आपने क्लिक किया था लाइन स्पेसिंग में जाके आपने ऑप्शन चेंज कर लिए थे मल्टीपल्स में जाके। ठीक है, तो मैं कुछ और तरीके से करना चाह रहा था यहाँ पे। यहाँ पे अगर आप जाएँ तो लोग इसको एक्सप्लोर नहीं कर रहे होते, बहुत ही कम चीज़ें ऐसी हैं इसके अंदर जो मैंने ज़्यादा बताई कि बहुत कम लोग अप्लाई करते हैं। ज़्यादा लोग थीम अप्लाई कर लेते हैं, थीम के कॉम्पोनेंट को नहीं अप्लाई कर रहे होते हैं, ठीक है, एडिट नहीं कर रहे होते उसको, अपना नहीं बना रहे होते। मैं दोबारा से पैराग्राफ स्पेसिंग में आ जाता हूँ, तो यहाँ पे आपको बहुत सारी ज़बरदस्त चीज़ें मिल रही हैं कि आपको रिलैक्स चाहिए। ये देखिएगा आपके पास स्पेसिंग पता चल रही है, पैराग्राफ स्पेसिंग, वो पैराग्राफ स्पेसिंग जो है अक्सर आपको जब पैराग्राफ्स हैं उसमें वाजी तौर पर पता चलेगी। तो डू प्ले अराउंड, इस पर क्लिक कीजिए। नो स्पेस चाहिए, स्पेस चाहिए आपको, डबल चाहिए, पैराग्राफ स्पेसिंग में चाहिए, यहाँ से आप इसको जो भी चेंज करना चाहें वो सारी चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं। और अगर आप जाएँ तो वही, अगर आप ट्रेडिशनल तरीके से करना चाह रहे हैं जो लाइन स्पेसिंग का होता है वो, जो कि यहाँ से भी आ रहा था, होम में जाते हैं और आप लाइन स्पेसिंग का ऑप्शन, लाइन स्पेसिंग ऑप्शन में जाके यहाँ से कह रहे थे, वो सारी चीज़ें आपके पास। अगर आप डिज़ाइन में जाएँ तो डिज़ाइन के अंदर पैराग्राफ स्पेसिंग, कस्टम पैराग्राफ स्पेसिंग, और उसके बाद जो है वो यहाँ पे ये आ गया ऑप्शन। क्लियर है? तो अगेन के अगर आप इतना वो नहीं है, आप ना हर चीज़ फौरन मत करेंगे, आप पहले सेट कर लें, एक ही मतलब में सारी सेटिंग्स को अप्लाई नहीं करें। और एक और चीज़ के एक चीज़ इस पर अप्लाई कर लें और आधी चीज़ें कहीं और अप्लाई कर लें, फिर मर्ज करके देख लीजिए ताकि आपको पता चले कि इसमें हो क्या रहा है। क्लियर है? तो ये था कि आपने बहुत ही जल्दी अपने डॉक्यूमेंट को क्विकली एडिट करना है, बनाए बनाए डॉक्यूमेंट को या खुद से, तो वो आप थीम्स के ज़रिए जो है ना वो कर सकते हैं। ये पूरा जो टॉपिक था वो थीम्स के हवाले से। अब हमने कहा था हम डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, तो डिज़ाइनिंग के अंदर मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और मैं कहता हूँ कि मैं कंट्रोल एन करता हूँ, न्यू डॉक्यूमेंट, डिज़ाइन पे दोबारा से जाता हूँ। मेरे पास और भी बहुत सारे ऑप्शन, सबसे इम्पोर्टेंट ऑप्शन पेज बॉर्डर, हमारे पास पेज बॉर्डरिंग पे आ रहे हैं तो आपके पास बॉक्स आ रहा है, आपके पास बॉक्स में क्या चाहिए, मुझे, मैंने कहा कि मुझे बॉक्स पे बॉक्स फॉर्म में चाहिए, वो आपसे पूछेगा भाई कहाँ अप्लाई करना है, होल डॉक्यूमेंट, ठीक है, या सेशन या फर्स्ट पेज वगैरह। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर मैं यहाँ से कंट्रोल एंटर करके पेज पिकअप करूं और ये देखता हूँ मेरे पास 8 पेजेस आ गए, कंट्रोल एंटर से आई हैं सारी चीज़ें। और अगर मैं यहाँ पे व्यू में जाऊं और यहाँ से नेविगेशन पैन को ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पेजेस कर लेता हूँ ताकि आपको प्रीव्यू नज़र आए पेजेस का, ठीक है। क्या किया था मैंने, व्यू में गया था, व्यू में नेविगेशन पैन करा और यहाँ से मैंने इसको पेज व्यू कर लिया। अब अगेन मैं लेआउट पर जाता हूँ, लेआउट सॉरी डिज़ाइन पे जाता हूँ, डिज़ाइन में जाने के बाद मैं पेज बॉर्डर पे आ जाता हूँ। अब आपको ये पता चल रहा है कि कहाँ करना है, मैंने कहा कि फर्स्ट पेज ओनली, ठीक है, फर्स्ट पेज पे बॉक्स बॉर्डर डालो, ठीक है, मुख्तलिफ़ किस्म के बॉर्डर्स आ रहे हैं और बॉर्डर का स्टाइल चूज़ कर लो। तो मैंने कहा कि मुझे बॉर्डर का स्टाइल चाहिए, मैं यहाँ से ये क्लिक कर लेता हूँ, कलर कौन सा चाहिए, कलर चूज़ कर लेते हैं हम, कलर के अलावा इसकी विथ जो स्ट्रोक की है वो कितनी होनी चाहिए वो हम यहाँ पे सेट कर लेते हैं। क्लियर है? उसके अलावा अब यहाँ पे मैं शो कर देता हूँ ओके, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ कि यहाँ पे क्लिक करता हूँ दोबारा से पेज बॉर्डर के ऊपर और द सेशन पे आ रहा है, तो मैं इसके उस पर कर देता हूँ और एक्सेप्ट फर्स्ट पेज, देखें तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के मुख्तलिफ़ जगहों पे आ रहा है, आपके मुताबिक है, क्लिक करते हैं। सेशन पे हमने अभी काम नहीं किया तो इसलिए सेशन आपको नहीं पता चलेगा, सेशन अगर आप अभी हम क्योंकि सेशन पे नहीं आए, लेकिन सेशन बकायदा ये होता है कि एक डॉक्यूमेंट को अगर 2-3 हिस्सों में डिवाइड कर लें, हर सेशन के अंदर अलग सेटिंग करना चाहें तो हम वो कर सकते हैं, ठीक है, वो सेशन के ज़रिए होती है। तो मैंने कहा दिस सेशन फर्स्ट पेज ओनली, तो ये सारी चीज़ें आपके पास आ रही हैं। ओके, क्लियर है? तो कहने का मकसद ये आ रहा है कि अगर आप ये देख रहे हैं तो आपके पास ऑप्शन था कि
ये फर्स्ट पेज ओनली का, जो हमें अक्सर करना होता है कि मेरा टाइटल पेज है, तो मैं चाह रहा हूँ कि ये मेरा टाइटल पेज है और इस टाइटल पेज के ऊपर जो है ना मैं सारा काम करूँ। तो मैं इसको जूम भी करता हूँ और कंट्रोल प्लस व्हील बटन से भी माउस के इसको जूमिंग जूम आउट कर सकता हूँ, कंट्रोल प्लस माउस का व्हील बटन से, या मैं यहाँ से भी जूमिंग जूम आउट कर सकता हूँ। अच्छा, मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि देखें ये पहला पेज था, ये सेकंड पेज है हमारे पास, जो वो बॉर्डर वहीं डाला कि जो पहला पेज, क्योंकि हमने यहाँ से कहा, हमने वर्ड को पॉइंट किया कि भाई बॉक्स डालो, बॉक्स बॉर्डर जो कि इन चीज़ों में मुश्तमिल है, स्टाइल कलर और विथ। अच्छा, आपके पास बहुत ज़बरदस्त किस्म का काम सकता है, अगर आपको काम करना आता है वो याद है कि बॉर्डर कहाँ अप्लाई करना आना चाहिए। तो बॉर्डर अप्लाई करने के लिए आप यहाँ पे भी, ठीक है, कहाँ जा रहे हैं, चार जगहें होती हैं, टॉप बॉटम लेफ्ट एंड राइट। तो मैंने कहा लेफ्ट और राइट से हटा दो और इसको थोड़ा सा बारीक डेलीकेट कर दो ताकि खूबसूरत लगे। यहाँ से मैं और काम कर लेता हूँ और इसको फिर मैंने बॉक्स पे क्लिक किया, हटा देता हूँ। अब आपको पता चले होगा जब जैसे ही हम इसको कस्टमाइज़ करना शुरू कर देता हूँ, ये खुद कस्टम पे चला जाता है, क्लियर है। और मैं इसको कर देता हूँ उसको ओके। तो अब ये हुआ क्या कि अगर मैं फर्स्ट पेज पे चलाऊँ तो ये देखिएगा, ये आपके पास यहाँ पे डला हुआ है, ठीक है, और ये बहुत ज़बरदस्त डिज़ाइन हो गया कि आप देखेंगे बिल्कुल ग्राफिक डिज़ाइन सा लग रहा है कि आपने ऊपर से बॉर्डर करके यहाँ पे डाला। तो मुख्तलिफ बॉर्डर बना के चेक करा करें, बॉर्डर से लाइनों से बहुत फ़र्क पड़ता है। एक सिंपल सी टेक्स्ट लिखकर लाइन खींची हुई और पीछे कलर का बैकग्राउंड डला होता है, बहुत स्टैंड आउट करता है। अच्छा ठीक है, क्योंकि मैं आपसे शुरू से जब वर्ड स्टार्ट किया था जब से ही बोला कि वर्ड जो है ना वो अब पेज लेआउटिंग सॉफ्टवेयर है, वर्ड प्रोसेसर तो है ही है लेकिन साथ में पेज लेआउटिंग सॉफ्टवेयर है, ब्रोशर व्रोशर सब कुछ बना सकते हैं इसके ऊपर, ठीक है। अच्छा, अब दोबारा से हम यहाँ पे जाते हैं पेज बॉर्डर के अंदर, तो मेरे पास पेज बॉर्डर्स के ऊपर मुख्तलिफ चीज़ें आ रही हैं। अब मैं इससे कहता हूँ कि अब आप काम करो, आर्ट डाल लो, ठीक है, आर्ट बने बना डिज़ाइन आ रहे हैं, आप ओके कर लें, वही आपके पास आ रहा है, ठीक है। इसमें भी वही आपके पास कि आपको साइज़ कितना बड़ा चाहिए, तो आप यहाँ से देख लीजिए कि भाई ये बॉर्डर का साइज़ इतना बड़ा हो, ओके, ठीक है, तो ये आपके पास आ रहा है। अब मैं इस मरतबा इसको कहता हूँ कि सब पे डाल दो, होल डॉक्यूमेंट, ओके। अच्छा, इसमें अब जो अच्छी चीज़ है, क्योंकि हमने कहा था कि हमें अच्छा डिज़ाइन बनाना है, तो प्ले अराउंड बच्चों की तो नहीं कि आप बस ये डालने वाले वाड़ डालने, इस तरह की चीज़ें नहीं करनी है आपको। आप थोड़े अच्छे डिज़ाइन सर्च कीजिए, नीचे आएगा तो आपको इस तरह के स्टाइलिश डिज़ाइन मिलेंगे, दिस ये डिज़ाइन है आपके पास, और अच्छा कॉर्पोरेट चाहते हैं तो ये इस टाइप से आ जाएँ आप डिज़ाइन। आप इसको थोड़ा सा ऊपर जाएँ, आपको मुख्तलिफ़ किस्म के डिज़ाइन मिलने शुरू हो जाएंगे। तो मैंने कहा मुझे ये डिज़ाइन चाहिए, इसका मैं विथ ज़्यादा करता हूँ, अच्छा मैक्सिमम 31 दे रहा है, और यहाँ से कलर मैंने क्लिक किया और दिस टाइम आई चूज रेड, ठीक है, और ओके कर देता हूँ। तो आप ही देखिएगा, इसको मैं जूम करता हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी बहुत जूम आउट करा हुआ था, तो ये देखिएगा ये बहुत बारीक सा डिज़ाइन आ रहा है, और वही चीज़ के कॉम्बिनेशन ऑफ योर नीट कि आपको चाहिए क्या, कि मैंने वही अगेन कि मुझे अब जो है ना वो ये नहीं चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से हम कुछ और बॉर्डर अप्लाई करके देखते हैं, हमने कहा ये करते हैं ओके, मुझे ये नहीं चाहिए, मैं और देख लेता हूँ इस टाइप की चीज़ चाहिए, ठीक है, और मैं इसके अंदर आपसे कहता हूँ कि काम करें कि इसकी विथ 18 कर लें, ओके, ठीक है। तो प्ले अराउंड करें पेज बॉर्डर्स के ऊपर, बहुत काम की चीज़ आपके पास। इसके बाद हमारे पास दो ऑप्शन हमारे, पेज कलर एंड वाटर मार्क। पेज कलर हम कैसे अप्लाई करते हैं, सिंपल एक पेज कलर, ठीक है, कि पेज कलर आपको चाहिए, वैसे तो ये बड़ी हिमाकत होगी कि आप पेज कलर डालें, आप अगर ये डॉक्यूमेंट डिजिटल के लिए बना रहे हैं कि डिजिटल दिखाना है, वेब पे सोशल मीडिया पे दिखाना है, मोबाइल पे दिखाना है, तो उसकी नहीं तो अच्छा है। प्रिंट पे अगर आपको चाहिए होगा तो आप कभी भी जो है ना ये नहीं चाहेंगे कि आपका जो बैकग्राउंड है उसके ऊपर कलर आए और आप उसको प्रिंट करें, क्योंकि आप अलग से प्रिंट आउट कलर पेपर ऐसा ले लेते हैं और उसके ऊपर प्रिंट कर लेते हैं, या टेक्सचर पेपर ले लेते हैं, ठीक है। तो मैंने फिर भी डिजिटल में बनाना, तो मैंने यहाँ पर ये डाल लिया, और उसके बाद मैं ऊपर आता हूँ यहाँ पर
अब जैसे मैं इस पर टाइप करता हूँ कुछ भी, इक्वल टू आर एन डी रेंडमली जनरेट 9 और ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, दोबारा से कमांड देख लीजिएगा, पहले ही बताता रहा हूँ, रेंडमली जनरेट 9 पैराग्राफ्स, ब्रैकेट में आप जो भी लिखना चाहें, 9, 10, 12 इतना आ जाएगा। एंटर कर देता हूँ, अब ये आ गया टेक्स्ट। तो अब आपको ये पता चल रहा है कि भाई ये जो है वो बेसिकली पेज कलर वाला है, टेक्स्ट लिखा तो ऐसा नज़र आ रहा है। मैं दोबारा जाता हूँ पेज कलर के ऊपर, और पेज कलर बेसिकली स्क्रीन के नहीं होते, प्रिंट पे नहीं आ रहा होता, प्रिंट करवाना पड़ता है। ठीक है, तो सेटिंग्स के लिए अलग से हम टॉपिक करेंगे, फाइल के ऑप्शन में जाके वर्ड के ऑप्शन के, वर्ड के ऑप्शन में हमारे पास चीज़ें क्या होती हैं। तो अगर मैं यहाँ पे इस पे जाऊँ तो ये सारी चीज़ें आ रही हैं। क्या मतलब कि अगर मैं इसको इस पे जाऊँ, इस पे तो कुछ सेटिंग्स देखते हैं, अगर मैं इसको फाइल पे जाऊं और मैं इसको कहता हूं कि आप जो है इसको प्रिंट पे जाएं, ठीक है, आप कंट्रोल पी भी प्रिंट कर सकते हैं इसको, तो ये आपको जो प्रीव्यू के अंदर वो जो कलर दे रहा था वो नहीं दिखाई दे रहा, जो कलर था वो आपको दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि वो प्रिंट में नहीं आ रहा, वो स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। ठीक है, लेकिन अगर आप फिर भी प्रिंट कराना चाहते हैं ज़बरदस्ती, जो कि मैंने कहा सही ऑप्शन नहीं है, हिमाकत है कि आप पूरा इंक ज़ाया नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी ज़िद है कि प्रिंट कराना, तो कोई मसला नहीं, ज़िद पूरी कर लीजिए, फाइल में जाइए, ऑप्शन में जाइए, ऑप्शन में जाने के बाद आप क्या कीजिए, डिस्प्ले पे जाइए, डिस्प्ले में आ रहा है प्रिंट बैकग्राउंड कलर्स एंड इमेजेस। अब आप इसको ओके कीजिए, ओके, फाइल पे जाइए, आप उसके बाद प्रिंट पे जाइए, तो अब देख रहे हैं जो आपका कलर था जो आपको प्रिंट करना था वो कलर प्रिंट होकर आपके पेज के ऊपर आ जाएगा। क्लियर है, तो मैं स्केप करता हूँ, पेज कलर पे मैं दोबारा से आ जाता हूँ, पेज कलर पे इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं, शेप्स में आपने ये सब चीज़ें देखी हैं, फिल इफ़ेक्ट्स में हम चले आते हैं, तो वही चार चीज़ें हमारे पास, टेक्सचर, पैटर्न, पिक्चर। तो मैं यहाँ पे टू कलर, ठीक है, टू कलर, इसके अलावा मैं दोबारा यहाँ पे आता हूँ और पेज कलर के अंदर फिल इफ़ेक्ट्स, इफेक्ट्स में इस तरह के डायगोनल भी आ रहे हैं कि तिरछे में आपको कलर चाहिए, प्रीसेट्स आ रहे हैं, आप प्रीसेट्स अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा टेक्सचर आ रहा है आपके पास, टाइल डिज़ाइन आपने ओके करा, ठीक है, इसी तरह आप पेज कलर पे दोबारा से जाइए और यहाँ पे फिल इफेक्ट्स पे जाइए, नंबर थर्ड है पैटर्न रिपीटेशन ऑफ अ डिज़ाइन इज कॉल्ड पैटर्न, आपने यहाँ से कोई सा भी पैटर्न लिया, ठीक है, ये देखिएगा ये आपके पास पैटर्न बनने वाले, और मैंने इस वक्त इसको ये कर दिया ओके। ठीक है, आप कुछ और भी चेंज करके देख लीजिएगा, देखें हर चीज़ को बहुत स्प्रो करें कहीं ना कहीं काम आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक करता हूँ और मैंने कहा कि दिस टाइम आई चूज दिस वन, क्लियर है, तो मुझे पेज कलर पर मैं दोबारा आता हूँ, फिल इफेक्ट्स, इसी तरह सेम पिक्चर, पिक्चर पर मैं आता हूँ, सेलेक्ट पिक्चर करता हूँ, वर्क ऑफलाइन ताकि मैं अपने कंप्यूटर से जा सकूँ, या क्लिक करता हूँ ओके, तो ये पिक्चर मेरे पास चली आएगी, अगेन वही प्रिंट हुई हुई आएगी आपके पास ये पिक्चर, देखें तो ये टेक्स्ट आपके पास आ गया। तो यू कैन डू मैनी थिंग, डिजिटल डॉक्यूमेंट बना रहे हैं तो आपके लिए बहुत इस्तेमाल में आता है, आपको काम करना आता है तो आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। क्लियर है, तो ये पेज बॉर्डर था, कलर था, लास्ट चीज़ है वो हमारे पास जो है वो क्या है इसके अंदर, अच्छा मैं यहाँ पे एक पेज कलर्स मोर कलर में जाता हूँ, और मोर कलर में जाके मुझे अगर अपना अलग से कलर चाहिए तो मैं वो भी ले सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, बने बनाए कलर भी आ रहे हैं, स्टैंडर्ड पे ले लें या कस्टम पे जाके आप कोई भी कलर क्लिक करके लाइट डार्क करके वैल्यू बना सकते हैं। ठीक है, जो स्क्रीन कलर की प्रॉपर्टीज होती हैं वो RGB होती हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू, अगर कोई आपको कोई सा भी कलर दे RGB कलर वैल्यू दे दे तो वही कलर यहाँ पे बन के आ जाएगा। क्लियर है, तो मैंने यहाँ से क्लिक किया, मैं इसको इसको ये कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा अब जो है वो लास्ट चीज़ जो हमें करनी है इसके अंदर है वो वाटर मार्क। ठीक है, हमारे पास डिज़ाइनिंग लेआउटिंग का टॉपिक था, ये जो चीज़ें थी वो डिज़ाइनिंग के हवाले से थी कि जो पेज जो आपने डॉक्यूमेंट कंस्ट्रक्ट करा हो उसकी नहीं है, और ये मिला लें तो आपके पास बॉर्डर वॉर्डर से भी डिज़ाइनिंग हो जाती पेज की, बाकी ऑप्शनल है, और वाटर मार्क प्रूफिंग के लिए कि आप ही चाह रहे डॉक्यूमेंट जो है ना उसके ऊपर आपका मार्क लगा हुआ है, कि पिक्चर या टेक्स्ट, दो किस्म के वाटर मार्क होते हैं, पिक्चर या टेक्स्ट। तो यहाँ पे अगर आप चाहें तो ये बने वाला इसकी नहीं, मैं पेज कलर पे जाता हूँ और मैं इस मतलब नो कलर ही कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखाई दे जो हम वाटर मार्क डालें।
अब फॉर एग्जाम्पल मैंने पहले पेज पे लिखा हुआ है, मैं वाटरमार्क पे जाता हूँ और मैं कहता हूँ कि मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ कॉन्फिडेंशियल, ठीक है। तो आप ये देख रहे हैं कि पेज पे डला वाला कॉन्फिडेंशियल। अब ये लाइट है, डार्क करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, वाटरमार्क में जाइए, कस्टम वाटरमार्क पे जाइए, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक काम करके कर लेते हैं कि हमने कस्ट वाटरमार्क डाल लिया बना बनाए, उड़ाना है तो यहाँ से रिमूव कर लीजिए। तो अप्लाई करना और उड़ाना, ये काम आपको आना चाहिए। उसके बाद कस्टमाइजेशन करना आना चाहिए, कस्टम वाटर मार्क। कस्टम वाटर मार्क में जाते दो आ रहे हैं, पिक्चर वाटर मार्क चाहिए या टेक्स्ट वाटर मार्क चाहिए। तो मैंने कहा कि फ़िलहाल मुझे टेक्स्ट चाहिए और मैं अपनी कंपनी का नाम लिख देता हूँ उसके अंदर, और मैं कहता हूँ कि अल शफीक, ठीक है। अब अगर आप इसको अप्लाई करें तो आपको पता चला ये अल शफीक लिखा हुआ है। अब इसमें सेमी ट्रांसपेरेंट हटा दीजिए ताकि ये ज़्यादा वाजे दिखे, विजिबल हो। हॉरिजॉन्टल, ठीक है, रो वाइज या डायगोनल तिरछा वो। इसके अलावा साइज आप दे सकते हैं, कलर भी दे सकते हैं, ठीक है। मैंने कहा कि मुझे ये चाहिए अप्लाई, लेकिन मुझे सेमी ट्रांसपेरेंट चाहिए ताकि थोड़ा सा कम दिखाई दे। और साइज भी आ रहा है, फॉन्ट भी आ रहा है, सब कुछ चेंज कर सकते हैं आप। टेक्स्ट चेंज करना है, साइज आ रहा है, ऑटो आ रहा है, आप साइजिंग करना चाहते हैं तो साइजिंग भी कर लीजिए। तो आपके पास काफ़ी सारी चीज़ें आ रही हैं। अप्लाई करें, क्लोज। तो टेक्स्ट लिखे हुए देखें, आपको पता चल रहा है। तो ऐसा दिखना है कि आपके पास कोई नोट्स की फुटशूट करेगा या आपने डिजिटल पब्लिश करा हुआ PDF है तो ये पीछे मार्क लगा हुआ आएगा। वाटर मार्क पर दोबारा जाते हैं, कस्टम वाटर मार्क के ऊपर ये आपने टेक्स्ट करा। अब आप आ जाते हैं पिक्चर वाटर मार्क के ऊपर, वही अगेन पिक्चर मार्क पे जाइए, सिलेक्ट पिक्चर, वर्क ऑफलाइन, ठीक है, फ्रॉम अ फाइल, और दिस टाइम आई चूज दिस वन, ठीक है, क्लिक। हम पिक्चर्स तो नहीं लगाते हैं, बेसिकली हम अपना लोगो लगाते हैं कंपनी का। तो आपने अप्लाई करें तो ये लोगो आप मेरा आ गया, ठीक है। तो आप लोगो कर सकते हैं, इसमें भी बहुत सारे ऑप्शन है। वॉश आउट, ठीक है, तस्वीर को ऐसे आप जेब में डाल के धो दें तो वो ऐसी हो जाती है, वॉश आउट इफेक्ट। तो वॉश आउट इफेक्ट चाहिए आपको तो आप अप्लाई कर लें, ठीक है, बहुत कम कम दिखाई दे रहा है। उसमें भी ऑप्शन है कि वॉश आउट भी नहीं चाहिए और साइज़ अपनी मर्ज़ी का डाल लें, तो यहाँ जहाँ से जाके साइज़ को आप कस्टमाइज़ कर लीजिए, ठीक है। तो जो भी चीज़ें आपको चाहिए तो आप यहाँ से जाके कस्टमाइज़ जो ना वो कर सकते हैं। तो ये जो टॉपिक था डिज़ाइनिंग का, मैं फिर अगेन रिपीट कर देता हूँ, ये जो डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग का टैब था, जो सॉरी ग्रुप था, इससे डॉक्यूमेंट को खूबसूरत कर रहे थे, ठीक है। और इसमें पेज बॉर्डर भी आ गया था, कलर, वाटर मार्क जो है वो प्रूफिंग के नहीं डाले गए, डॉक्यूमेंट के पीछे आप वाटर मार्क डाल देंगे ताकि आपका डॉक्यूमेंट आइडेंटिफाई कि आपकी पहचान है कि ये आपके पास है, ठीक है। जैसे नोट्स में हम दे रहे होते हैं पीछे ला के फोटोशूट लुक करवा रहे होते हैं नोट्स की, तो ये बहुत सारी चीज़ें डिजिटल पब्लिश करके देना तो उसमें भी आप ला के दे सकते हैं चीज़ें, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक पे हम आएंगे इंशाल्लाह कि हम इंसर्टिंग के टॉपिक पे आएंगे, हमें चीज़ें इंसर्ट करनी होती है तो हम उस पर कैसे काम कर सकते हैं, ठीक है। ओके देन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।